Hello everyone, in today's 11th commerce SP lecture, we are currently in chapter number 2, that is joint stock company, and we already have covered with sole trading concern and its features, along with that joint Hindu family firm, partnership firm, then LLP known as limited liability partnership firm, and then we have covered with cooperative society as well. Now we are looking for joint stock company. So on your textbook, come down to page number 19. On page number 19, we will take introduction first. Company means a group of individuals who are associated for a lawful common purpose. So company kya hai? कंपनी का मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इंडिविजुअल है, हु आर एसोसिएटेड फॉर अ लॉफुल कॉमन पर्पस, कोई कानूनी काम के लिए, मतलब गैर कानूनी काम के लिए नहीं, लॉफुल, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा है, लॉफुल है, उस पर्पस के लिए वो लोग गैदर हुए हैं, एसोसिएट हुए हैं. और अ गोल, द गोल मे बी इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ये जो इनका काम हो सकता है, ये सोशल वेलफेयर का भी हो सकता है या प्रॉफिट मेकिंग का भी हो सकता है. इसके लिए यहां पर क्या बताया, इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक, लाइक बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च, स्पोर्ट्स, आर्ट, एंटरटेनमेंट. ठीक है. कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन. तो यहां पर जॉइंटली सब क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल नोन एज शेयर होल्डर. In simple words, company is a voluntary association of person for carrying some business and sharing the profit therefrom. So, इन्होंने कितने simple word में बता दिया है, ये एक voluntary association है. So, what do you mean by voluntary association? Voluntary association का मतलब होता है, there is no barrier in entry and exit. कभी भी आप आ सकते हो, जब आपको आना है तब आप share purchase कर लो, you will become a member. और जब आपको कंपनी छोड़कर जाना है, आप अपने शेयर बेच दो, तो आपका मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. हेंस इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन. आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो. दूसरी बात, इसमें कोई कास्ट, कोई रिलीजन, ये सब नहीं देखा जाता. एनी पर्सन कैन ज्वाइन. ठीक है. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फॉर द बिजनेस. तो ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने देखे, चाहे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, पार्टनरशिप फर्म हो, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सबसे ज्यादा अगर कोई कैपिटल कलेक्ट कर सकता है तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी. इट कैन क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. ठीक है. द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट. तो ये जो कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं शेयर. क्या बोलते हैं, शेयर. सो दीज यूनिट्स आर नोन एज शेयर. तो पता चला आपको, हमने इसका एग्जांपल लिया हुआ था कि जो हमारा टोटल कैपिटल है, फॉर एग्जांपल आप कलेक्ट करना चाहते हो मार्केट से 1 लाख रुपीज. कितना कलेक्ट करना चाहते हो, 1 लाख रुपीज आप कलेक्ट करना चाहते हो. ये 1 लाख रुपीज कलेक्ट करने के लिए आपको मार्केट में 10,000 शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे. क्या इश्यू करने पड़ेंगे, 10,000 शेयर. और एक शेयर, 1 यूनिट कितने का है, 10 रुपीज का. तो 10 रुपए का आप एक यूनिट बेच रहे हो, तो 10,000 यूनिट × 10 कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज हमारे पास आ जाएगा. तो ये जो टोटल कैपिटल है ना, क्या बताया, कैपिटल ऑफ द कंपनी. ये जो टोटल कैपिटल है इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर्स, है ना. तो ये स्मॉल नंबर्स में डिवाइड किया गया, तो हर एक यूनिट ऐसे 1,000 टुकड़ों में बांट दिया गया, और उसका एक पीस आपको कितने रुपए में मिल रहा है, 10 रुपीज में. ठीक है. एंड दीज आर इनडिविजिबल यूनिट, मतलब आप उससे छोटा यूनिट उसको कर सकते नहीं हो. एंड दैट इज नोन एज शेयर. क्या बोलते हैं उसको, शेयर बोलते हैं. ठीक है. A person who purchases a share is called shareholder. Person जो क्या कर रहा है, शेयर परचेस कर रहा है. अगर आप भी शेयर परचेस करें तो आप क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे.
shareholder is a part of owner or part owner or co-owner of the company. तो shareholder कौन होता है? वो भी एक co-owner है, part owner है, उसका भी हिस्सा company में लगा हुआ है. The ownership of the company is with shareholders, while its day-to-day administration is in the hand of directors who are the elected representative of the shareholder. तो owner कौन बन जाएगा? Owner बन जाएगा shareholder. और जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में चला जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो यहां पर हमने देखा कि जितने भी प्रीवियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे, है ना, हमने एक चार्ट देखा था. ये जितने भी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो ये सब के सब इसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या है, दोनों सेम है. इसके अंदर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों क्या है, सेम है. बट जब हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, किसकी बात की, जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो इसमें ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है. ओनरशिप किसके हाथ में है, शेयर होल्डर के हाथ में, और मैनेजमेंट किसके हाथ में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में. तो पैसा लगाता है जो बिजनेस में इन्वेस्टर, उसने शेयर खरीदा है तो उसको हम बोलेंगे ओनर शेयर होल्डर, और जो बिजनेस को चलाता है, रन करता है, उसको क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो यहां पर हाईली स्किल्ड, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स आते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है. बराबर है? The directors are collectively known as board of director. तो सब director अगर साथ में है, suppose हमारे पांच director है, तो पांचों को हम क्या बोलेंगे, board of director. अकेला person है, अकेला director है, तो उसको सिर्फ director. लेकिन सबके सब director को हम collectively क्या बोलते हैं, board of director. The proportion or portion of profit of the company distributed among the shareholder is known as dividend. डिविडेंड मतलब जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो किसको दिया जाएगा, शेयर होल्डर को दिया जाएगा. और वो जो प्रॉफिट का पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है. ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये ड्राइंग पर्टिकुलरली स्टार्टिंग स्टेज में बनाया था. ठीक है ना, आपको याद होगा कि किस तरीके से यहां पर एक पर्सन जिसके दिमाग में क्या आया, आइडिया, है ना, जिसको आइडिया आया और उसने अपने आइडियाज क्या किए, शेयर किए, उसने अपने आइडियाज शेयर किए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये सबने मिलकर क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया. इन सबको क्या बोला जाएगा, सबको बोला जाएगा प्रमोटर. क्या बोला जाएगा, प्रमोटर. बराबर है? और ये प्रमोटर क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और शेयर होल्डर को, ये जितने भी शेयर होल्डर हैं सबसे पैसा मांगेंगे, जिसका जितना कैपेसिटी है, और वो पैसा कहाँ लगाते हैं, वो बिजनेस में. तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल, और कैपिटल से बाद में जो भी प्रॉफिट आएगा ये प्रॉफिट कहां जा रहा है, देखो, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर के पास जा रहा है. क्या नाम होता है, डिविडेंड, मतलब जो प्रॉफिट आप शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसे कहते हैं डिविडेंड. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन. डेफिनेशन देखो क्या बोलता है यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. और ये डेफिनेशन हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक्ट में से लिया गया है. कहाँ से लिया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में से. वहां पर जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 लिखा हुआ है वो डिफाइन करता है कि कंपनी क्या है. क्या है कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. ऐसी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर में क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है. इनकॉर्पोरेट होना मतलब क्या होना, रजिस्टर्ड होना, उसकी स्थापना होना, एस्टेब्लिशमेंट होना.
और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ, या तो जो प्रीवियस कंपनीज लॉ में मतलब इसके पहले की भी जो कंपनी होंगी 2013 के पहले, उसको भी कंपनी समझा जाएगा. इट मींस एवरी ऑर्गेनाइजेशन वुड गेट द स्टेटस ऑफ अ कंपनी इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द रिलेवेंट लॉ एज अ कंपनी बिफोर और आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत अगर आपने अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है तो हम उसे कंपनी बोलेंगे, या आपने किसी पिछले लॉ में उसका रजिस्ट्रेशन कराया, मतलब आप 2013 के पहले ही आपने कंपनी चालू कर दी थी, तो इसके पहले जो एक्ट था वो था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, इसके पुराना वाला एक्ट मैं बता रहा हूं आपको, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. अब आप देख सकते हैं ये जो कंपनी एक्ट है 2013 का, तो कितने सालों के बाद, है ना, आफ्टर मेनी नंबर ऑफ इयर्स हमने क्या किया, इस एक्ट में बदलाव लाया, नया एक्ट बनाया. तो सोचो कितने साल के बाद यहां पर इसको चेंज किया गया है कि नहीं. अगर आप गैप देखते हो तो 56 के बाद वहां पर कितना ईयर हो जाता है, 44, और यहां पर 13, तो टोटल आफ्टर 57 ईयर्स, है ना. तब तक टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई, कितनी बार प्रोसेस बदल गया, है ना. आज की तारीख में सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन से ज्यादातर ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसके लिए इस लॉ को बदलना बहुत जरूरी हो गया था. तो इस लॉ को बदल दिया गया, तो यहाँ पर वही बताया गया कि चाहे आप प्रीवियस एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन किया हो या आपने नए एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया हो, लेकिन अगर आपका कंपनीज एक्ट के साथ में रजिस्ट्रेशन हो गया है तो फिर आप एक कंपनी हो, ऐसा ये डिफाइंड करते हैं. गेटिंग इट? ये हमने एक डेफिनेशन देखा एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. अब देख रहे हैं प्रोफेसर एच एल हैनी. हैनी क्या बोलते हैं, हैनी का कहना है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन. सही बात है, कोई भी आ सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, कोई भी एज का हो, ठीक है ना. ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट, तो लोगों का एक संगठन है, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए हो सकता है. हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इंटू फोर्सिएबल शेयर, सॉरी ट्रांसफरेबल शेयर. तो इसका जो कैपिटल है वो ऐसे शेयर में है जो ट्रांसफर किया जा सकता है. आपने खरीदा, आपको बाद में बेचना है तो आप बेच के जा सकते हो. द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप. अगर आपको मेंबर बनना है या ओनर बनना है तो क्या करना पड़ेगा. अगर आपको ओनर बनना है तो आपको पहले मेंबर बनना पड़ेगा. और मेंबर कैसे बनेंगे, आपको शेयर खरीदना पड़ेगा. आप उस कंपनी के शेयर खरीद लो, आप क्या बन जाओगे, मेंबर. और मेंबर क्या होता है, को ओनर. क्या होता है, को ओनर. ठीक है. The above definition reveals some of the most important features of the company. Kya hai most important feature? Thus, to conclude, we can say that a joint stock company is an unincorporated association. Sorry, in incorporated association is an incorporated. Incorporated matlab kya hota hai? Registered. Kahan register kiya hai? Companies Act 2013 mein ya uske koi previous law mein isko register kiya gaya hai. Which is an artificial person created by law. देखो यहां पर क्या बोल दिया, it is an artificial person, मतलब कंपनी को एक separate legal entity समझा जाता है. उसके नाम पे asset होते हैं, उसके नाम पे liabilities होती है, वो कोई property purchase कर सकता है, sale कर सकता है, किसी के ऊपर case कर सकता है, कोई उसके ऊपर case कर सकता है. तो जैसे एक individual को आप treat करते हैं वैसे ही treatment आपका किसके साथ होगा, company के साथ. फर्क सिर्फ इतना है कि कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है. कंपनी खुद से कहीं जा सकती नहीं है, खुद से कुछ खरीद सकती नहीं है, तो उसके बिहाफ में काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हैविंग अ सेपरेट नेम, उसका नाम उसके शेयर होल्डर से अलग है. अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कानून की नजरों में भी एक अलग उसकी एक पहचान है. एंड परपेचुअल सक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन, मतलब लॉन्ग लाइफ.
आज ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिसका एज 200 ईयर से 250 ईयर हो चुका होगा। आ रहा है समझ में? तो इसको कैसे लाइफ मिलती है? लॉन्ग लाइफ मिलती है। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड। इसके मेंबर मतलब अगर आप शेयर होल्डर बन जाते हो तो आपकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। जितना आपने शेयर में पैसा लगाया है उतना ही डूबेगा, आपको घर से कोई पैसा मांगने आएगा नहीं। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मे हैव कॉमन सील। अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी को रखना है तो कॉमन सील रख सकती है, स्टैंप स्टैंप के जैसा। नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको परपेचुअल सक्सेशन मिला है, मतलब वो लॉन्ग लाइफ जीता है, उसका लाइफ बहुत ही लॉन्ग होता है, ठीक है। एंड लायबिलिटी कैसा है? उसका लायबिलिटी जो मेंबर्स का लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो यहां पर उसका कॉमन सील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कंपनी। तो नाउ लुक एट सम फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसमें सबसे पहला आ जाता है, टोटल 12 फीचर्स आर गिवन। सबसे पहला है वॉलंटरी एसोसिएशन। क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, दैट मींस अ पर्सन ऑफ एनी कास्ट एनी रिलीजन कैन जॉइन एनी टाइम एंड कैन लीव एनी टाइम, है ना। जब चाहे ज्वाइन करे और जब चाहे छोड़ के जाए, ऐसा ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। A joint stock company is a voluntary association of person. Membership of the company is open to all. सबके लिए membership open है, restricted नहीं है. A person at his own wish can become a member or leave membership. Member बन सकता है या membership छोड़ सकता है, उसके इच्छा के ऊपर है. Of the company subject to provision of the article of association of the company. जैसा कि article of association बताता है. तो article of association क्या है? तो ये एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है ना। कंपनी को रजिस्टर करने के पहले उसका इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है, ये इस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, विच इज नोन एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो उसमें जैसा लिखा है उस तरीके से आप कंपनी को छोड़ सकते हो। नंबर टू, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कैसा एसोसिएशन? इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेटेड मतलब ये रजिस्टर्ड है। इसको कंपनीज एक्ट 2013 में या उसके प्रीवियस कोई भी एक्ट में क्या किया गया है? रजिस्टर किया गया है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्मड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज कंपलसरी। हर एक कंपनी का आपको इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा, इट इज कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं है। विदाउट इनकॉर्पोरेशन यू कैन नॉट रन अ कंपनी। बिना रजिस्ट्रेशन किए आप कंपनी को चला नहीं सकते। एन एसोसिएशन ऑब्टेन्स द स्टेटस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। जब तक उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तब तक उसको एसोसिएशन ही बोलेंगे, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको फिर कंपनी बोला जाएगा। तो अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्टेटस चाहिए तो आपको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या इसको सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है? आंसर इज यस। तो कैसा है ये सेपरेट लीगल स्टेटस? In the eyes of law, company is separate entity from its shareholder. उनके shareholder अलग है, company अलग है. A joint stock company is a legal entity. It enjoys separate legal status. Its existence is different from its member and director. मतलब ये अपने director से अलग है और ये अपने member से अलग है. अगर किसी shareholder ने कुछ गुनाह किया तो क्या उसकी सजा company को मिलेगी? Answer is no. Both are different personalities, ठीक है। The member are the owners and are liable in limited way of the act of their company. अगर कंपनी ने कुछ गड़बड़ किया, सपोज बाद में ऐसा कभी मालूम पड़ा तो कंपनी ये तो स्मगलिंग में है, या कंपनी ये कोई गैर कानूनी काम करती है, अनलॉफुल बिजनेस करती है, तो मुझे बताइए कंपनी जवाबदार होगी कि शेयर होल्डर जवाबदार होंगे? तो इसमें जवाबदार कौन होगा? कंपनी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, नॉट द शेयर होल्डर, है ना। कंपनी और उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके ऊपर कार्यवाही होगी, शेयर होल्डर पे कार्यवाही नहीं होगी, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या है? सेपरेट है अपने ओनर से, ठीक है। एंड आर कंफर्ड
conferred with rights and duties. और उसको क्या दिया गया है? Rights और duties. उसके कुछ rights हैं, उसके कुछ अधिकार हैं, उसकी कुछ duties हैं. ठीक है, तो जैसे एक individual का अधिकार होता है, इंडिविजुअल का ड्यूटीज रहता है, वैसे कंपनी का भी अधिकार है, कंपनी की ड्यूटी. इसके लिए इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी सब काम कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेस कर सकती है, लायबिलिटीज क्रिएट कर सकती है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है. सिर्फ डिफरेंस इतना है, कंपनी के हाथ पैर नहीं है, वो अपना काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू करती है. किसके थ्रू करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू. ठीक है. नंबर फोर, आर्टिफिशियल पर्सन. विच पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन. तो इन द आईज ऑफ लॉ इसको पर्सन माना गया है. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. लॉ के द्वारा इसे क्रिएट किया गया है. कानून की नजरों में ये एक व्यक्ति है. क्या है ये? व्यक्ति. इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड हैज इट ओन इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी. इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया गया है, लॉफुल बिजनेस बनाया गया है, और इसका अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है. सपोज आपने किसी कंपनी का, है ना, सपोज आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेस किया. एग्जाम्पल, आपने गोदरेज का एयर कंडीशन परचेस किया और वो एयर कंडीशन खराब निकला. आप किस पे केस करोगे? शेयर होल्डर पे केस करोगे या गोदरेज कंपनी पे केस करोगे? केस विल बी फाइल्ड अगेंस्ट गोदरेज कंपनी एंड नॉट ऑन शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर अलग है और जो हमारी गोदरेज कंपनी है उसका अपना खुद का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. ठीक है. It enjoys certain legal rights like person, for example, enter into contract. Company किसी के साथ contract कर सकती है, purchase sale का business कर सकती है, asset और properties बेच सकती है, appoint person as employee, लोगों को job पे रख सकती है, but it cannot act its own, on its own, मतलब खुद से act नहीं कर सकती. As a natural person, it is a artificial person. ये एक बनावटी person है और इसको जो एक्ट है उसके रिप्रेजेंटेटिव करते हैं. कौन करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव. तो ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव में कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है. नंबर फाइव, परपेचुअल सक्सेशन. क्या बता दिया? परपेचुअल सक्सेशन. व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन? लॉन्ग लाइफ. कंपनी हैज अ लॉन्ग लाइफ. तो कंपनी क्या है? कंपनी क्या कोई बिल्डिंग है? नहीं, कंपनी कोई बिल्डिंग नहीं है. कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, इनकॉर्पोरेशन हुआ है, उसके पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है. ठीक है ना. यहां पर लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज जापान में, कहां की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट जापान. जापान में जो एरिया है, हिरोशिमा नागासाकी, कौन सा एरिया है? आपने सुना होगा, हिस्ट्री बुक में पढ़ा भी होगा, हिरोशिमा नागासाकी. ठीक है ना. तो वहां पर हमारी कंपनी है. क्या है हमारी कंपनी? और इस कंपनी का नाम है ओकिनावा. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? ओकिनावा. ठीक है. ओकिनावा लिमिटेड. किधर ये कंपनी? ये कंपनी है जापान में. अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन उसका अमेरिका के साथ युद्ध हो गया और युद्ध में हमें पता है एक जो एटम बॉम्ब होता है ना, आपने सुना होगा, एटॉमिक हमला हुआ था जिसके वजह से हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर. तो वो जो एटम बॉम्ब है वो वहां पर गिराया जाता है और उसके धमाके से, है ना, यहाँ पर सपोज ये जो एटम बॉम्ब है ये गिरा
और आपको पता ही है उसके बाद क्या हो गया, पूरा का पूरा ब्लास्ट है ना, कितना बड़ा ब्लास्ट हो गया। और इतने बड़े ब्लास्ट में हमारा जो कंपनी था वो क्या हो गया, हमारा जो बिल्डिंग था वो पूरा गिर गया। आपको क्या लगता है ये जब हुआ हिरोशिमा नागासाकी में, तो वो पूरी की पूरी कंपनी तबाह हो गई कि कंपनी अभी भी है? तो यहां पर इवन आफ्टर दिस ह्यूज ट्रेजेडी क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, कंपनी तो इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है। कंपनी क्या होगी, ये तो सिर्फ बिल्डिंग है जो गिर गई है ना। क्या कंपनी क्या कोई बिल्डिंग थी? नहीं। आपने देखा है कई बार तो हम शिफ्ट हो जाते हैं ना, एक घर से दूसरे घर चले जाते हैं, तो कंपनी यहां पर ये सिर्फ बिल्डिंग कंपनी नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, ये एक बिल्डिंग है ना। कंपनी तो कहीं पर भी स्टार्ट की जा सकती है, बराबर है। कंपनी तो आपके घर से भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कंपनी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहां पर कंपनी को क्या मिलता है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लाइफ। ठीक है, क्योंकि वो भले उसके सारे के सारे शेयर होल्डर मर जाए, जितने शेयर होल्डर थे सब मर गए, हिरोशिमा में नागासाकी में बॉम्ब गिरा, सब शेयर होल्डर मर गए, तो क्या होगा, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है कि नहीं, वो शेयर उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो लोग शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो शेयर होल्डर हमेशा आते जाते रहते हैं, कंपनी हमेशा रहती है। गेटिंग इट एवरीवन, ये एग्जाम्पल समझ में आया सबको? इसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। द जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी इट्स मेंबर। इसका जो एग्जिस्टेंस है ना, इसका जो एग्जिस्टेंस है, इसको कभी कोई अफेक्ट नहीं होगा ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी मेंबर। कोई शेयर होल्डर का डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए, कंपनी को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो चलती रहेगी। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज अ वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस इट इज वाउंड अप बाय द फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर। जब तक उसको लीगल प्रोसीजर के थ्रू बंद नहीं किया जाता, तब तक वो कंपनी हमेशा जिंदा रहती है, चलती रहती है। ठीक है, नंबर सिक्स इज कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है, कंपनी का जो मेन स्टैंप रहता है ना, उसके नाम का स्टैंप, लोगो है ना, स्टैंप, कोई भी डॉक्यूमेंट रहता है उसके ऊपर देखो स्टैंप पुट किया जाता है, तो वो क्या होता है, कॉमन सील। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट्स लाइक नेचुरल पर्सन। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट ये एक नेचुरल पर्सन की जैसे होती है, हेंस इट इज नॉट इन अ पोजिशन टू साइन इट्स नेम। तो नेचुरल पर्सन नहीं है ना, तो साइन कैसे करेगी, तो साइन नहीं कर सकती है, तो उसका क्या बना दिया, स्टैंप बना दिया है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन सील। हाउएवर इट हैज डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील, दीज कॉमन सील्स एक्ट एज अ सिग्नेचर। तो इसको इसके सिग्नेचर के जैसे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज एफिक्स्ड ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी की जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर कॉमन सील लगाया जाता है। यूजुअली टू डायरेक्टर एंड अ सेक्रेटरी साइन द डॉक्यूमेंट एज विटनेस आफ्टर द सील इज अफिक्स। जैसे ही सील लगाया जाता है, तो दो लोग क्या करते हैं, वहां पर विटनेस के तौर पर साइन करते हैं। पॉइंट नंबर सेवन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसी होती है, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी का पूरा प्रॉपर्टी बिक जाने के बाद, ह्यूज लॉस हो जाने के बाद भी, हम शेयर होल्डर ने जितना पैसा लगाया ना, उतना ही डूबेगा, आपको घर से पैसा मांगने कोई आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है, जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड, इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। कहां तक लिमिटेड है, जब तक उसने पार्ट पेमेंट नहीं किया है। अगर उसने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया है, तो उसकी लाइबिलिटी खत्म है कि नहीं। बाय अ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे ओनली ओनली द अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर। उसके शेयर पे जो अनपेड अमाउंट है, मतलब सपोज पार्टली पेड शेयर था,
शेयर 10 रुपए का था और आपने 5 रुपए ही भरा है, तो 5 रुपया बाकी है, तो वो अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। इफ एनी शेयर होल्डर इज नॉट कंसर्न विद डेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, कंपनी का डेट कितना है, लाइबिलिटी कितना, उतना उसको कुछ बॉदर करता नहीं है। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर कैन नॉट बी यूज फॉर रिपेमेंट ऑफ डेट ऑफ अ कंपनी, कंपनी का उधारी चुकाने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता नहीं है, इसके लिए तो इसकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। हमने यहाँ पर आज 7 पॉइंट्स कवर किए, few more question or points are remaining out of 12, we have completed with 7 or 8, to 5-6 और questions है जिसको हमको go through करना है, तो उसके लिए मिलते हैं अगले episode में, तब तक के लिए bye bye, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।